हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे थे। इसके पहले 4.1 और 4.2 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक को कवर कर चुके हैं और बेसिक के अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी आगे हम लोगों को करना है। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड जो थे, पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी कवर कर चुके हैं, और उसके बाद जो सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। वो किस मेथड के थ्रू थे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू। इसके बाद जो आगे आता है वो आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है d² d = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac / 2a। d = -b प्लस माइनस रूट अंडर रूट b² - 4ac / 2a। ये होता है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखेंगे b² - 4ac d = लिख सकते हैं b² - 4ac d = जहां पे d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, b² - 4ac की वैल्यू आ रही है, उसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं। अब दो रूट होते हैं, पहले तो इसके अकॉर्डिंग d = क्या होता है? b² - 4ac। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d = -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। ये लिख सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = वेयर a इज नॉट इक्वल 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल 0 एंड b एंड 0, b और c जो है वो 0 होने की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। तो यहां पे हम देखेंगे ए बी सी क्या थे? रियल नंबर्स थे, और एक्स जो थे वो क्या थे? वेरिएबल्स थे। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू हमने b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं, डी हमने लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए d = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac / 2a। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स फाइंड किए जाते हैं वो सभी इक्वेशन के लिए कितने होते हैं? दो रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इसके अकॉर्डिंग अगर हमें दो रूट फाइंड करने, तो फर्स्ट रूट और सेकंड रूट के लिए d = -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac / 2, ये हो जाएगा फर्स्ट रूट के लिए, और सेकंड वाले रूट के लिए हो जाएगा -b - √b² - 4ac / 2a। ओके, तो एक बार क्या ले लेना है? वैल्यू प्लस में लेना है, और एक बार वैल्यू किस में लेना है? माइनस। इसी का कॉमन फॉर्म यहाँ पे हमने लिख दिया था, प्लस और माइनस, मतलब एक बार ले लेंगे माइनस में तो फर्स्ट रूट फाइंड हो जाएगा, और सेकंड टाइम ले लेंगे किस में? माइनस में, तो इस तरह से सेकंड रूट फाइंड हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं, इसमें हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है तो वो किस बेसिस पे करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे रूट्स किस तरह से फाइंड करना है ये तो आप लोग समझ चुके हैं। हाँ, और यहाँ पे b² - 4ac उसके प्लेस पे क्या d भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बताए d = b² - 4ac, और ये d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे यहाँ पे हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे d की वैल्यू यानी b² - 4ac। तो b² - 4ac ये वैल्यू कहाँ से लानी है, और ये भी वैल्यू वो कहाँ से लानी है? ax² + bx + c से लानी है।
है, यहाँ पे जो कोई भी इक्वेशन है वहाँ पे उसका कंपेयर करते हैं हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जीरो से। इस तरह से ए बी और सी कोई कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है। जैसे हमने कोई भी इक्वेशन लिख ली इस तरह से, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये ए बी सी की वैल्यू हो जाएंगी। अब ये ए बी सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी वैल्यू ऑफ डी फाइंड करते हैं जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू रखने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है कि डी का वैल्यू क्या जीरो से बड़ा है, अदरवाइज डी का वैल्यू जीरो के इक्वल है, अदरवाइज डी का वैल्यू किससे जीरो से, जीरो बड़ा है किससे, डी से। क्या 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 कंडीशंस बनती हैं, यहाँ पे तीन कंडीशंस बनेंगी, डी का वैल्यू बड़ा है किससे, जीरो से, और डी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, और जीरो बड़ा है किससे, डी से। इस तरह से तीन कंडीशंस बनेगी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के अकॉर्डिंग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगा। अब उसके गिवन डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, जीरो है, वहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह से कि क्या डिस्क्रिमिनेंट बेसिस पर हमें बताना होता है कि रूट्स इसके किस तरह के होंगे, मतलब रूट्स का नेचर जो है, नेचर ऑफ रूट्स, यहां पे क्या बता रहे हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स, के रूट्स का नेचर किस तरीके का होगा, मतलब वो एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे डी का वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है, वहाँ पे जीरो आने पे क्या रूट्स आर रियल, कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे। और जहाँ पे अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, डी का वैल्यू बड़ा है किससे है, जीरो से, तो कैसे रूट्स रियल तो होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल होंगे लेकिन क्या होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे अगर वैल्यू ऑफ डी किससे, जीरो से ज्यादा होता है तो। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन के लिए। और थर्ड कंडीशन, डी का वैल्यू जीरो से छोटा है, यानी जीरो इज, जीरो क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो रूट्स आर imaginary and does not exist, okay? इस तरह से क्या हो जाएंगी ये quadratic equation के according quadratic formula जो है वो क्या है, d is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ये जो है वो क्या है, quadratic formula है। इस quadratic formula का compare किससे करते हैं हम, quadratic equation के basis पे, quadratic equation का जो simplest form ax square plus bx plus c is equal to 0, इस तरह से हम a b c की value find करते हैं, और a b c की value निकालने के बाद उसको रखते हैं कि इसमें क्या डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से हम नेचर ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं कि डी का वैल्यू अगर इक्वल है, डी का वैल्यू अगर बड़ा है, और डी का वैल्यू जीरो से छोटा है। इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी मतलब इनकी प्रॉपर्टी है उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रूट्स उनके किस तरह से होंगे। केवल दो ही रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये याद रखना है, और दो रूट्स होते हैं तो उनमें कैसे होंगे, अगर डी का वैल्यू जीरो के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, अगर डी का वैल्यू क्या है, बड़ा है किससे, जीरो से, तो वहां पर रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे लेकिन कैसे होंगे, रियल, मतलब एग्जिस्ट करेंगे वो, लेकिन अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी एंड डजंट एग्जिस्ट। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस तरह से अब हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं उसे आपको सॉल्व कराने की और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू।